मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। आप पूछे थे कि हाल ही दिनों में जिस तरीके से मुकेश सहनी पिता की हत्या की है और अभी तक जो अपराधी हैं खुलेआम घूम रहा है और लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से सेल हो चुका है। आप ही लोग पे सवाल खड़े कर रहे हैं, हमारे भी कुछ सवाल खड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इसकी वजह बताते भी नजर आए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों में बिहार में हुए अपराध मामलों को लेकर तेज प्रताप ये बयान देते नजर आए हैं। कहने लगे कि नीतीश कुमार से जब संभल नहीं रहा है कुछ भी तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि मंगलवार को वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ये बड़ा बयान देते नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है पहले आप वो सुने। आप पूछे थे कि हाल ही दिनों में जिस तरीके से मुकेश सहनी पिता की हत्या की है और अभी तक जो अपराधी हैं खुलेआम घूम रहा है और लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से फेल हो चुका है। आप ही लोग पे सवाल खड़े कर रहे हैं, हमारे भी कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री जी खुद बोले ना कि क्यों जा करके पैर छूते हैं किसी का पैर छूते जब उनसे नहीं हो रहा तो पैर छूने जा रहे हैं। क्या स्थिति है क्राइम का, क्राइम का क्या स्थिति है? मंगलवार को वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच भी कर रही है और जो विपक्ष है वो लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। आज लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, सभी ने आपराधिक मामलों को लेकर, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। लालू यादव भी कहते नजर आए कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है, नियंत्रण खो चुके हैं। तो अब उनके बेटे बड़े तेज प्रताप यादव भी इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को घेरते नजर आए हैं। जैसा कि आपने सुना, साफ कहने लगे थे कि नीतीश कुमार से कुछ भी संभल नहीं रहा है, अपराध को रोक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए अपराधियों के पैर छूने जा रहे हैं। साथ ही साथ मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे और यहां तक कर कह डाला, बड़ी मांग कर डाली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर बिहार नहीं संभाल सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन है, कल से पूरी शुरुआत हो जाएगी और आज लगातार सदन के बाहर जो हंगामा है वो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार को घेरा जा रहा है। तो वहीं इन सब के बीच तेज प्रताप यादव ने बड़ी मांग कर डाली, नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर डाली। क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।